हैदर भी तो कह रहा है मेरी बहू को वापसी कर दो। हाँ यार उसके साथ तो गलत हुआ है। हैदर हेलो सुन रहा होगा? हाँ सऊदी बैठा है। सऊदी वाले तो बढ़िया आदमी, सऊदी वाले तो मोदी जी को गमछा पहना के राम राम करते हैं। सऊदी वालों को कुछ नहीं बोलूंगा भाई, वो सच्चे मुसलमान है। उन्होंने दो मंदिर बना दिए। किन्होंने? अरे ये जो नए नए बने हैं ना मुल्ले, आए हाय ये चिढ़ते हैं राम के नाम से। इनको पता नहीं इनके पिताजी का नाम भी श्यामलाल है। एक बार सीमा भाभी कह दे थोड़ा आटा भिजवा दो पाकिस्तान। भाई तुम लोग मना करोगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों तुम्हारा आटा भी गया और भाभी भी गई। जोरदार नारे लगा दो जय श्री राम। पबजी खेलने से शादी नहीं होती, नहीं तो ये सारे पबजी खेलना शुरू कर देंगे कुमारे। और अगर किसी के धोरे वो आ गई ना चांग चूंग वाली, अरे हे तो अम्मा बहुत मारेगी। अरे ससुरी सुबह उठती है तो पता भी नहीं चलता कि सो रही है कि जग रही है, आंखें छोटी होती है ना वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार सीमा हैदर से मिलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि सीमा सचिन और सचिन के पिताजी से एटीएफ पूछताछ कर रही है, लेकिन दिल्ली के दीपक यहां पहुंचे हैं, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली के दीपक, आप सीमा हैदर के घर? बिल्कुल। क्यों भाई? सीमा हैदर का घर नहीं, पहली बात तो नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। शुरुआत यहीं से होगी भाई साहब। बाइट लेनी है लो, नहीं लेनी बात लो, और तुम किल्सो। अब मैं स्टार्ट हो रहा हूँ और तुम्हारी किल्सेगी, और पाकिस्तान वालों तुम्हें तो बवासीर हो जाएगी। घर सचिन का है, सीमा हैदर का घर नहीं भाई साहब। सचिन की वाइफ है, सचिन के पिताजी का घर है, उसकी मर्जी है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, मगर ये कौन ब्रेकिंग न्यूज है भाई साहब कि गायब हो गई? भैया कोई गायब हुई वो? अभी मिल कहाँ रही है लोगों से? तो कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी? आप लोगों ने तो थोड़ी थोड़ी देर में ले 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 है। एक ने उतारा नहीं माइक, दूसरे ने लगा दिया। वो कह रही पानी पीने दो, कह रहे पानी बाद में पीना, सीमा को प्यास लगी। ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा तो सवाल नहीं पूछेगी मीडिया, पाकिस्तान से आ गई तार के नीचे से निकल के? तो भाई लैट्रिन बाथरूम तो करने दोगे किसी को? वो भी रोक दोगे? प्यार मोहब्बत से पानी है, पर्सनल जिंदगी है, घर परिवार है, चार बच्चे भी पालने हैं, आप भी तो घर जाते होगे। आप ये पूछो कि भैया घर में सब बढ़िया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कुछ सिस्टम बैठेगा, नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकार प्रशासन क्या काम कर रहा है, बॉर्डर पार से पिछले 70 साल में कितने लोग आ गए होंगे, ये जांच का विषय है। ये ओवैसी के रिश्तेदार रोंगिया मुसलमान जितने आ रखे हैं, ये बांग्लादेशी, जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। तो आप इतना सहयोग क्यों कर रहे हो? एटीएस टीम जांच कर रही है, जांच के बाद निकले? अरे एटीएस तो बहुत बढ़िया कर रही है, योगी बाबा वाली है। मैं कहा जांच का विषय भाई साहब, वो तो ऐसा सहयोग करेंगे उनका, वो योगी बाबा की टीम है, और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। और योगी के राज में ओवैसी जो अपने कुर्ता और पजामा फाड़ लेता था, वो चार लाइनें बोल के चुप हो गया है। जैसे ही पता करे कि भैया मीडिया में बयान दो, अरे पता करो, ए पता कर कहाँ है वो, बोले ग्रेटर नोएडा में। ना मैं नहीं बोलूंगा ना भाई ना, बोले क्यों? अरे जो अतीक अहमद का अतीक खत्म कर सकता है उसके आगे ओवैसी क्या चीज है बे। नाम चलता था, नाम क्या? नाम अतीक अहमद। हाँ हेलो अतीक भाई से बात करो, रहने दो मैं कर रहा हूँ। आज कोई बता के राजी नहीं है कि अतीक अहमद का बंदा था मैं। तो सीमा के मैटर में अतीक कहाँ से घुसा दिया आपने? उत्तर प्रदेश के दायरे में है सचिन, उत्तर प्रदेश का नागरिक है भारत के बाद। यहाँ मोहर लगी है बाबा की। हाँ बाबा की, यहाँ भगवाधारियों की सरकार है भी नहीं है, पश्चिम बंगाल वाली ममता बहनों। साले हमारे मंदिर तुड़वा रहे हो तुम, तुम्हें तो बवासीर से भी गंदी बीमारी होगी। तो सवाल तो यही है, सीमा वहां से आई पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में मंदिर पर हमला हो रहा है। हाँ। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में वापस करो, वो लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, कोई पिस्टल दिखा रहा है, कोई AK-47 दिखा रहा है। अरे आटा नहीं है उनके पास खाने को, पिस्टल दिखा रहे हैं वो लोग। साला गोली खाते होंगे का जब भूख लगती होगी तो। हमारे यहाँ के बच्चे निकलते तो कलाम की सोच वाले, डॉक्टर, ओ बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, उससे पूछते बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, कह रहे जैसे मोहम्मद में जाऊंगा। बोले क्या करेगा, बोले जिहाद। बोले पाकिस्तान से भारत जाऊंगा और देशों में जाऊंगा। बोले क्या करूंगा, बोले बम छोड़ूंगा।
हम तो दिवाली सीमा भी बम छोड़ने आई हो? नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्यों आप तो पत्रकार हो, आपके मुंह में ऐसी चीजें आप कुछ भी बोल सकते हो, मगर घर जाते ही जहां देखी ना लुगाई, वो पता क्या कहती है, हेलो अब कोई पत्रकार ही नहीं, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, वहां नहीं चलती आप जैसे पत्रकारों की। जज, जज अपने घर जाने के बाद कोई जज नहीं है भाई साहब। पुलिस, काहे की पुलिस भाई, थानेदार भी जब थानेदारनी के धोरे जाता है ना तो चुपचाप बैठ जाता है, नहीं तो रोटी ना मिलती। सवाल तो लगातार उठ रहे हैं ना सीमा हैदर पर, चार बच्चों को लेकर आ गई, मोहब्बत कैसे हो गई, प्यार कैसे हो गया, हिंदुस्तान में ही प्यार क्यों हुआ, पबजी खेलती थी और भी तो लोग संपर्क में थे, हाँ, तो हिंदुस्तान के सचिन से ही प्यार क्यों हुआ? पबजी खेलने से शादी नहीं होती, नहीं तो ये सारे पबजी खेलना शुरू कर देंगे कुंवारे। और अगर किसी के धोरे वो आ गई ना चांग चूंग वाली, अरे हाय तो अम्मा बहुत मारेगी। अरे ससुरी सुबह उठती है तो पता भी नहीं चलता कि सो रही है कि जग रही है, आंखें छोटी होती है ना चांग चांग वाली, वहीं से तो आया वो गेम भी वहीं से आया भाई। लेकिन सीमा तो पाकिस्तान से आई है भाई साहब, वो तो देखो वो हम उसके बाप है पाकिस्तान के, किसके बाप। अब ये मुहिम चलेगी कि यहाँ के लड़के कह रहे हैं कि भाभी, देखो ना समर्थन ना विरोध, भाभी बोले कोई हो तो मेरे लिए भी बता दो। आप पत्रकार, आप तो खुद क्या आपने नहीं प्यार किया कभी किसी से? करा तो होगा, और भाई पाकिस्तान वाली से तो नहीं किया लेकिन, अरे उसका मजा ही अलग है। दुश्मन देश की लड़की से प्यार हो, मारा सचिन भाई अगर जाएगा, देखो जब उसको सब कुछ ओके हो जाए, क्लियर हो जाए, मैं कह रहा हूँ जांच के दायरे में है, तो क्या कहेगा? हेलो, वो कहेगा जीजा जी राम राम, कराची वाले हमें राम राम बोलेंगे। तो बाबा है तो मुमकिन है ना भाई साहब, दिक्कत काहेगी? आपको दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के दायरे में खड़े हो भाई साहब। जांच करो, जांच करने के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उस तथ्यों के आधार पे नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर वो गलत नहीं है तो 90% आबादी को पाकिस्तान की बवासीर हो जाएगा, पक्का। पाकिस्तान वाले तो धमकी दे रहे हैं लगातार भाई साहब, देखो मजबूरी है, भेज दो। इसीलिए मोदी योगी कह रहा है, इसीलिए मोदी योगी कह रहा है कि हिंदुओं जाति में मत बटो, एक हो जाओ। जब कहते हो ना हर हर महादेव, तो कोई जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय त्यागी ब्राह्मण बनिया बस कोई नहीं भाई साहब, जो भोले की फौज करेगी मौज। मगर हम लोग बटे हुए हैं, कोई मीणा नहीं, कोई ठाकुर राजपूत जात नहीं, हम हिंदू हैं। जब लड़की बिहानी हो, रिश्ता जोड़ना हो, तो ये बातें अच्छी लगती है भाई, बिल्कुल हमें एक होना चाहिए। जब तुमने हाथ में ओम लिखवा लिया तो ओम के ऊपर मीणा लिखवाओ, ओम के ऊपर पंजाबी लिखवाओ, अरे ओम तो सबका है, है? ए ओ ऐसी, तेरा भी ओम है भाई साहब, तुझे भी मानना पड़ेगा। तो सीमा हैदर आई है, और हैदर बोलना बंद करो, सीमा सचिन मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, सीमा भाभी कह रही है, सीमा सचिन यार ठुकरा है। ओवैसी को आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं अरे मेरी पूंछ मार लेगा तू, आ तू लख लो वहां, अरे मैं तेरे वहां मेरा भाई है बड़का भैया। जांच होनी चाहिए, सीमा कैसे आ गई तारों के नीचे से निकल कर, मोदी क्या कर रहे थे, लड़ा कह रहे हो, सुन लो, जांच ओवैसी की भी होनी चाहिए क्या, वो कौन गोला का है? ओवैसी की सातवीं पीढ़ी का नाम बता दे, ओवैसी मैं मान जाऊंगा। पता क्या नाम निकलेगा भैया? पूछो क्या नाम निकलेगा, क्या निकलेगा? श्यामलाल। हाँ, क्योंकि ये जितने ओवैसी के बाबा का नाम, ओवैसी के बाबा के बाबा के बाबा का नाम, ये सब वही वाले हैं। पहन रहा हूँ ये सब तलवार की नोक में सलवार वाले हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये औरंगजेब अकबर बाबर हुमायूं कुर्ता पजामा ये कौन थे? आप शुक्र मनाओ और भाई जोरदार अपने पूर्वजों के लिए ताली मारो कि हमारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी। और गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शहादतें दी है उनके लिए वाहे गुरु जी का खालसा। भाई साहब उसे कहते हैं ओवैसी, अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो क्यों बवासीर हो जाएगी तुम्हें, है? साला तुम लखनऊ आओ 10 मिनट के लिए, कहाँ? लखनऊ, वहां आके बोलो कहाँ 15 मिनट के लिए, यूपी पुलिस ना भाई साहब डंडे में गोले का तेल लगा के घूम रही है सरसों का। अब पूछो क्यों तेल लगाती है, पूछो, अगर अंदर डाल दिया ना तो फांस ना रह जाए बेचारे को, बांस वाली होती है ना भाई साहब,
अब होगा क्या, रोज एक बांस फांस निकालेंगे, कहेंगे अरे बाबा 150-200 घुसे पड़े हैं, 150-200 घुसे पड़े हैं, तो भैया यहाँ आइए, नागरिकता मिले, जांच हो। हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं। SIT, यूपी पुलिस, होम मिनिस्ट्री पूरी जांच करे, जांच के बाद तथ्य देखे, उसके बाद देखे कि भैया शादी जायज है कि नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीमा का तो कहना यह है कि मैं प्यार में आई हूँ, मुझे सचिन से प्यार था, लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सचिन के अंदर ऐसा क्या नजर आ गया कि सचिन से प्यार था। देखो भाई, क्यों भाग कर आ सुनो, प्यार अंधा होता है। मेरा एक दोस्त है, वो उर्फी जावेद के चक्कर में सुसाइड करना चाह रहा है। उर्फी जावेद के, सुना है भाई साहब नाम उर्फी जावेद का? ये तो सब जानते होंगे, सब जान है, वीडियो देखते हैं, चोरी छुपे ये लोग, वही है कपड़े वाली। भैया कौन है उर्फी जावेद? छोटे कपड़े वाली, वही वही। अब एक बात बताओ, दिल से बताओ, उसके अंदर क्या दिख गया आपको ऐसा? वो भी तो उससे प्यार कर रहा है। प्यार में ना भाई साहब, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, और प्यार तो प्यार है मेरे भाई, आपकी मर्जी है। कई लोगों को, कई लोग, अरे वो लैला मजनू को, जो लैला मजनू हैदर भी तो, राम और सीता बोलो, अब हैदर भी तो कह रहा है मेरी बहू को वापसी कर दो। हाँ यार, उसके साथ तो गलत हुआ है। हैदर हेलो, सुन रहा होगा, सऊदी बैठा है। सऊदी वाले तो बढ़िया आदमी, सऊदी वाले तो मोदी जी को गमछा पहना के राम राम करते हैं। सऊदी वालों को कुछ नहीं बोलूंगा भाई, वो सच्चे मुसलमान है। उन्होंने 2 मंदिर बना दिए, किन्होंने? अरे ये जो नए नए बने हैं ना मुल्ले, आए हाय, ये चिढ़ते हैं राम के नाम से, इनको पता नहीं इनके पिताजी का नाम भी श्यामलाल है। अबे मूर्खो, तुम, मैं तो कह रहा हूँ, तुम 7 पीढ़ियों के नाम खोजो। हमारे वहाँ हरिद्वार में ना हरकी पौड़ी पे चिट्ठा होता है, जिसे कहते हैं पुरोहित, हैं, इनसे जाके पूछते हैं ना, मौलाना साहब हमारे पूर्वज कौन थे, तो कह रहे ये तो हमें भी नहीं पता है। भाई साहब, सनातन धर्म से ही निकले हैं ये, कि मैं सीमा सचिन हूँ। तो हैदर लगाना आप लोग छोड़ दो, नागरिकता मिले ना मिले, जांच हो, वो जांच का विषय है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि जांच ना करो। हैदर तो बोल रहा कि वापस भेजो। गलत तो हुआ है भाई साहब उसके साथ, गलत तो हुआ है। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आटा भी गया और भाभी भी गई। जोरदार नारे लगा दो, जय श्री राम, किल्सो हिंदुस्तान। अब यही रहेगी भाभी? बिल्कुल रहेगी भाई साहब। देखो गदर 2 तक तो कहीं नहीं जाएगी, सुनने में आया जो मैंने कह रहे, गदर 3 तो सचिन ने पहले ही बना दी, 2 रिलीज नहीं हुई अभी। भाई साहब एक बात बताऊं, सुनो, अगर सब कुछ सही निकला, का सब कुछ सही निकला, जांच सही निकली और ये जेन्युइन निकले, जेन्युइन निकलने के बाद यहाँ अलग ही माहौल होगा। मगर अभी क्या है ना, 50-50 है, का 50-50, हाँ अभी 50-50 है। जांच होने दो भाई साहब, जांच के बीच में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो जांच होनी जरूरी है। अगर दिल्ली में जांच ना होती, वो बेचारे मनमोहन की कोई गलती नहीं थी। मनमोहन सिंह बढ़िया आदमी है, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको काम नहीं करने दिया। वो बेचारा कभी भी जाए तो सोनिया गांधी जी जब तक ना, तो ऐसे जाता था। तो जैसे आप जैसा बंदा कह रहा है, सर वहाँ पाकिस्तान में हमारे, भैया एक बार हंसना नहीं, जो विषय है अब गंभीर है। हमारे पाकिस्तान में 3 सिपाही शहीद हो गए और हेमराज की गर्दन की फुटबॉल खेली जा रही है, तो अगला UN से पूछ रहा है। अब मर्द का बच्चा है योगी आदित्यनाथ मोदी के घर घुस के इनकी बवासीर पैदा करता है इनके घर में। ये 2 कोड़ी के बंदों की क्या औकात है भाई? ये तो मोदी मजबूर है अभी कि हम एक नहीं है, का कर्नाटक हारे, मोदी की गलती नहीं है भाई साहब, जाति में बटे हुए हैं। ये तो उत्तर प्रदेश ने, योगी बाबा ने लोगों को एक कर दिया, नहीं तो जातिवाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा था। यार जाति छोड़ो भाई, हिंदू जोड़ो, या तो ये बोलो कि ये मेरा भोले है, वो तेरा भोले है। लोग कहेंगे पागल हो गया लग रहा है, भोले बाबा खुद कहेंगे पागल हो गया है। हम लोग कोई जात धर्म नहीं भाई, हमारा एक धर्म है सनातन, ना जिसका हम आदिकाल अंत से चले आ रहे हैं। और ये क्या चिरकुट 4-5 जो कहते हैं, साले शिवलिंग को फुहारा बोलो ना तो पोपड़ी बना दूंगा तुम्हारी। अभी देखा हिमाचल में क्या हाल हुआ है, हैं? चलो तुम टेंशन मत लो, आगे पूछो, क्या पूछ रहे हो? बस आखिरी सवाल ये है, अगर सीमा हैदर जासूस निकलती है तो आप क्या करेंगे? भाई साहब, अगर सीमा हैदर निष्पक्ष, अगर सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलती है तब आप लोग क्या करेंगे? अगर वो जासूस निकलती है, सुन लो पहले, तो उस तरीके से भारत सरकार जो कार्रवाई करेगी, मैं थोड़ी SIT में हूँ भाई साहब, मुझे क्या मालूम, मैं कोई वकील थोड़ी हूँ, जाँच हो। और अगर नहीं निकलती है तो भाई साहब
समझ जाओ भाई सब। पटाखे फूटेंगे? पटाखे तो नहीं फूटेंगे, पिछवाड़ा बेकार खत्म पाकिस्तान का। किल से पड़े हैं बेचारे। और मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम 25-30 बहनों, भैया ये शॉर्ट जरूर डलवा देना भैया, ये वाली। देखो सनातनी धर्म बहुत अच्छा धर्म है, और पाकिस्तान की जितनी भी बहनें हैं, मैं तो बहन बोल रहा हूँ फिलहाल, बाद में नहीं बोलूँगा बहन क्योंकि उसको जीजा बोलना पड़ेगा ना, यहाँ आओ, बहुत अच्छे बंदे हैं। सोमवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का रखते हैं। अब सुनो, अब तुम लोग क्या करते हो? एक शादी भैया, एक मिनट, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, लुगाई किलस जाती है। आज इसके धोरे जा रहा है, कल उसके धोरे जाएगा। है भाई, हम लोग 7 जन्मों का बंधन निभाते हैं और ये 7 लुगाई करते हैं। बच्चे 25 हो जाते हैं, मतलब कई बार बाप को समझ नहीं आता कि किसको अबू बोल रहा है, और शक्ल किसी की नहीं मिलती। साला फिरकी यही है, किसी की नाक किसी पे जा रही है। मैं कहा यार ये कौन है? कह रहा है ये मेरा अबू है। मैंने कहा वो 7 वाला गया था, नाक तो उससे मिल रही है इसकी। हम सनातनी हैं, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अटूट हैं, इसीलिए सीमा हैदर आई है, जांच होनी चाहिए। और पबजी के चक्कर में नहीं आई है, पबजी बहाना है। सचिन भी सनातनी है और नाम है हिंदुस्तान, उसको अच्छा लगा यहाँ का माहौल, उसको माहौल अच्छा लगा। और यहाँ आटे की किल्लत नहीं है, यहाँ तो ये मेरे रघुपुरा के अगर गांव वाले भी अपनी आई पे आ जाए ना, तो आधे पाकिस्तान को तो वहां बैठा के खाना खिला देंगे कोने पे, इतना पैसा इन पे है। इन्हें हल्के में मत लेना। कौन? रघुपुरा वाले भाई, गलत तो नहीं बोल रहा? अगर 10-10 किलो ये भीड़ ने भी आटा भिजवा दिया पाकिस्तान, तो शाम तक तो ट्रॉला बुक हो जाएगा वहां पे। एक बार सीमा भाभी कह दे थोड़ा आटा भिजवा दो पाकिस्तान। भाई तुम लोग मना करोगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फिलहाल जांच होनी चाहिए, मगर गांव की तो बहू है फिलहाल। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। भाई हम कौन होते क्लीन चिट देने वाले? भाई साहब हम लोग क्लीन चिट दे दे, पता लगे कोई फिरकी हो जाए, फिर आप जैसे पत्रकार कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज। आप लोग को क्या पता है भाई कि दिल्ली के दीपक ने कहा? मैं तो ये भी नहीं कह रहा जांच करो भाई, मगर इतना जरूर है कि सीमा हैदर आई है। क्या सीमा हैदर? अरे प्रधानमंत्री तेरी लुगाई नहीं आई है, तू कहाँ टेंशन ले रहा है बे? इनके घर में खाने को नहीं है, ये कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में। साले हमारे यहाँ का जुम्मन भी चला गया ना, तो तुम्हारा चुम्मा निकाल देगा जुम्मा। बातें छोटी छोटी बच्चे जो है ना, इनके उल्टी सीधी करते हैं, हमारा कलेजा जलता है भाई है। और हम लोग इसीलिए शक के दायरे में लेते हैं कि हमने वो दर्द झेला है, इसीलिए सीमा पाकिस्तान से आई है भाभी। तो हमें ये दुख लगता है कि कहीं अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो पाकिस्तान का थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरा ही नाम खराब है तुम्हारा, तो इनका तो पूरा ही नाम खराब है, बेड़ा गर्क है इनका तो। जैसे ही बोलो ना वेयर आर यू फ्रॉम, हम कहते हैं इंडिया, कह रहा राम राम मोदी। अब बोले वेयर आर यू फ्रॉम, बोले पाकिस्तान। बेस्ती होती बेचारों की। यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ था, लास्ट बता रहा हूं, यूक्रेन युद्ध में जितने भी हमारे लोग आए, जैसे ही बोला वेयर आर यू फ्रॉम, मोदी जी ने कहा मेरा झंडा लेके जाओ, अगर तुम्हें कोई हाथ लगाए तो मुझे बताओ। तो जैसे ही उन्होंने बोला हेलो, हाँ सर ये 30,000 जने आए हैं, ये मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, अरे उन्हें जल्दी भेज भेज भाई, वो मोदी योगी खतरनाक आदमी। और जैसे गए पाकिस्तान वाले, कह रहे इनको पानी भी मत पूछना। बोले क्यों? बोले इनके कपड़े वपड़े पूरे उतार के चेक करो, नीचे भी चेक करो, क्या मालूम ये कहाँ बम बांध ले, इनका कोई पता नहीं है, इनका तो हाथ लगा लगा के चेक करो, ये कहीं भी बम बांध सकते हैं ये। तो भैया जांच का विषय है, जांच हो, जांच के दायरे में है, अगर जांच में तथ्य पाए जाते हैं, क्योंकि हम जांच एजेंसी पे उंगली नहीं उठाएंगे, देश की रक्षा का सवाल है, मगर ना उन्हें तंग करे और ना उन्हें ज्यादा परेशान करे। और ये ब्रेकिंग न्यूज चलानी बंद कर दो, और भी बथेरी ब्रेकिंग न्यूज है भाई साहब। दिल्ली के दीपक है और उनका ये कहना है कि जांच होनी चाहिए, जांच के साथ हैं, लेकिन सीमा हैदर को इस वक्त जो देखा जा रहा है वो एटीएस की जांच के बीच में है। और सीमा के पति सचिन और उनके ससुर नेत्रपाल से अभी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, रघुपुरा, ग्रेटर नोएडा।